तो आपका स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। और दोस्तों, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक गीजर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आपके इलेक्ट्रिक गीजर ऑलरेडी लगा हुआ है तो आप उसको उसकी जो सफाई है वो कैसे कर सकते हैं बिना गीजर को खोले। तो दोस्तों, जब भी हम गर्मियों में गीजर को बंद कर देते हैं उसके अंदर पानी जो है वो स्टोर रहता है और वो पानी बाहर नहीं निकलता, और उस पानी का दोस्तों छोरा बन जाता है, जो वाइट वाइट काई होती है वो बन जाती है जो पानी के अंदर जमा हो जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों, जब भी आपने गीज़र यूज़ करना है उससे पहले आपने जो गीज़र की टैप है, ये हमारी गीज़र की टैप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें से आप 3 से 4 बाल्टी पानी बाहर निकाल दें, 3 से 4 पानी बाल्टी जो है बाहर निकाल दें। इससे इसका जो भी जो गंदा पानी होगा वो बाहर निकल जाएगा, उसके बाद ही आप यूज़ करें, नहीं तो आपकी जो बॉडी में इन्फेक्शन वगैरह जो है, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है वो हो सकती है। तो इससे बचने के लिए आप हमेशा ही 3 से 4 बाल्टी गीज़र का पानी बाहर निकाल के फेंक दें, उसके बाद ही गीज़र को इस्तेमाल करें। इससे आपका जो गीज़र है अंदर से पानी वॉश हो जाएगा और नया पानी से आप नहाओगे, पर पुराना पानी जो होता है काफ़ी टाइम से पड़ा होता है उसको बाहर निकालना ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो को आपको देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।